गर्मीत राम रहीम सिंह का पूरा काला चिट्ठा उजागर हो चुका है। इस बीच सोशल मीडिया पर इस ढोंगी बाबा को लेकर कुछ अजीब चर्चाएं चल रही हैं। आशंका उठाई जा रही है कि कहीं जेल में कैद राम रहीम नकली तो नहीं, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके स्थान पर बाबा बनकर कोई दूसरा शख्स सजा काट रहा है और असली रेपिस्ट तो अब भी मजे कर रहा है। इन आशंकाओं को जन्म देने के पीछे राम रहीम की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 15 अगस्त 2017 की है, जहां सिरसा डेर में हुए एक कार्यक्रम में उसके बाल बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। वहीं साध्वियों से रेप केस में 25 अगस्त को जब सुनवाई हुई तो उसके बाल बहुत बड़े थे। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महज 10 दिन में बाल इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? यह है 15 अगस्त की तस्वीर। 15 अगस्त को हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम विलास शर्मा डेरा में आए थे, तब वहां हुए कार्यक्रम की तस्वीर अब वायरल हो रही है, जिसमें डेरा प्रमुख के सिर के बाल बिल्कुल छोटे दिखाई दे रहे हैं, दाढ़ी भी बहुत छोटी है। सोशल मीडिया पर असली डेरा प्रमुख के हनीप्रीत के साथ गायब होने का शक जताया जा रहा है। आशंका है कि डेरा प्रमुख खुद हनीप्रीत के साथ फरार हो चुका है, यहां तक कि विदेश जाने की भी चर्चाएं हैं। पूरे प्रकरण पर पुलिस महानिदेशक बीएस संधु का कहना है कि डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के नकली होने की सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा में प्राथमिक रूप से कोई दम नजर नहीं आता, फिर भी हम हर पहलू पर विचार कर रहे हैं और इसकी जांच कराई जाएगी, कहीं कोई ढील नहीं छोड़ी जाएगी। हम सोशल मीडिया पर नजर रखे हैं और किसी भी तरह की गलत अफवाहें फैलाने वालों पर भी कार्यवाही की जा सकती है।